मौजूद है हमारे पीएससी फाउंडेशन के चेयरमैन पीएससी भास्कर जी, उनके साथ साथ मौजूद है अन्ना मन निकोबार द्वीप समूह के जाने माने चेहरा सोशल वर्कर जुमैदा मैडम, शकीला मैडम एवं फातिमा जी। आप सभी को आज के पीएससी फाउंडेशन के ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग कैंप में स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि स्वाड के सोशल वर्कर ईश्वर भाई पीएससी भास्कर जी को शॉल बनाकर उनका स्वागत करें। इसके बाद मैं चाहूंगा कि वेंकट भाई आकर सुबेदा मैडम को शॉल बनाकर उनका स्वागत करें। इसके बाद हम चाहेंगे कि हरि भाई आकर शकीला मैडम को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। शकीला मैडम ऐसा शख्स है जो वॉलेंटरी के बाद भी अपना सेवा कोविड के समय से लेकर आज तक विदाउट एनी कॉस्ट पब्लिक के लिए सेवा कर रही है। इसके लिए हम तहे दिल से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब हम चाहेंगे फिर एक बार ईश्वर भाई आकर फातिमा मैडम को शॉल लगाकर उनका स्वागत करें। जमा भाई आकर शॉल लगाकर स्वागत करें। समय की कमी है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले टीएससी भास्कर जी, आज जो ब्लड ग्रुपिंग कैंप का जो शुरुआत हुआ है उसमें अपना ब्लड टेस्ट कराकर उसके बाद बारी बारी आप सभी लोग अपना ग्रुपिंग कर अंडावानी का द्वीप समूह में जिस तरीका से आज ब्लड का किल्लत है, आज फोर ब्लड से लेकर डिग्लीपुर से कैमल बे तक जो लोग इस दीपन अस्पताल में आते हैं अपनी इलाज के लिए और जहाँ पे जो ब्लड का बहुत ही कमी है उसको दूर करने के लिए जो टीएससी फाउंडेशन जो इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए हम सभी लोग अपना तरफ से योगदान दें। जैसा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि कुछ कुछ रेयर ग्रुप का ब्लड का कमियां है, हम लोग महसूस करते हैं, कभी कभी रात को फोन आते हैं, बहुत दुख लगता है कि वो रेयर ग्रुप को हम लोग अरेंज करने में बहुत तकलीफ हो जाता। ये जो एक्सरसाइज हम लोग शुरू किया है, हम पब्लिक से निवेदन करते हैं कि इसमें आप लोग योगदान दे दीजिए। रक्तदान देना एक जीवन को आप लोग नया जीवन देता है, रक्तदान देना एक जीवन को आप लोग नया जीवन देता है। ये मन में आप ले लीजिए कि आपका जो रक्त जो है, आपका ब्लड जो है, किसी को जान देता है। आप लोग अभी जो एक्सरसाइज हम लोग वार्ड नंबर 2 में कर रहे हैं, ईश्वर भाई का सहयोग से ये हो रहा है और ये जो हम लोग बाकी सब वार्ड में भी करेंगे, फिर इसको हम लोग एक डाटा कलेक्ट करके हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। बस आज आप लोग सब आया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये मैसेज दूर दराज आइलैंड्स में जाना, देखिए इंटर आइलैंड से पेशेंट आता है, इन लोगों को कोई इधर में जान पहचान नहीं है, बहुत गरीब गरीब पेशेंट आते हैं जिसको मतलब ब्लड ग्रुप का जरूरत है, उसमें हम लोग बहुत सहयोग करेंगे उन लोगों से। धन्यवाद। ऑफ
सबको नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आज देखिए TSG फाउंडेशन की ओर से एक ब्लड ग्रुपिंग का जो प्रोग्राम यहाँ हेडोफ में रखा गया है। आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है किसी के लिए सोचने के लिए, लेकिन TSG फाउंडेशन के लिए मैं कहूँगी कि जब से TSG फाउंडेशन बना है तब से वो लोगों की भलाई के लिए काम करते आ रहा है, और उनके लिए कुछ कहना मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि उनका जब जन्म से लेके मरने तक जो भी किसी का हेल्प करना है, अगर किसी का बॉडी लाना है, अगर मॉर्चरी में लेके जाना है, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को और तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, तो TSG फाउंडेशन हमेशा वहाँ में तैयार रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में लोगों को अपना आप से अपना को आगे करना चाहिए, क्योंकि आज आप देखिए ब्लड का किल्लत हर जगह रहता है। अगर कोई एक्सीडेंट केस हो गया, हॉस्पिटल जाए तो ब्लड नहीं रहता, तो ग्रुपिंग करके रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक सोच है, अच्छा एक विजन के साथ उन्होंने ये काम शुरुआत किया है। तो लोगों को भी आगे आना चाहिए और अपना ब्लड ग्रुपिंग करके रखना चाहिए और लोगों का मदद करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। आप लोगों को फिर से एक बार शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम शकीला है, मैं एक नर्स। आज मेरा पूरा वर्ल्ड में नर्सेस डे मनाया जाता है, लेकिन मैं अपना उस नर्सेस डे का प्रोग्राम छोड़कर मैं आज इस प्रोग्राम में है, जो TSG भास्कर चैरिटी फाउंडेशन जो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है। मैं तहे दिल से भास्कर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज के ज़माने में लोगों को वक्त नहीं मिलता है, पर मैंने आज अपना फ़र्ज निभाया। मैं एक नर्स होने का आज फ़र्ज निभाया, मैं अपना प्रोग्राम छोड़कर इस मंच में आई है। मैं लोगों से यही कहती है कि रक्तदान महादान होता है। कहते हैं ना, आई भी दान दिया जाता है पर एक ही लोगों को एक ही आंख मिलता है, पर रक्तदान जो होता है हर 3 महीने में उनको देना पड़ता है। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तहे दिल से आप सब लोगों का, मीडिया कर्मी का और जो वार्ड नंबर 2 का जो काउंसलर है ईश्वर, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जैसे कि आज TSG फाउंडेशन की तरफ से जो ब्लड ग्रुपिंग कैंप रखा गया है, जिसमें मैं भी आज पार्टिसिपेट किया और अपना ब्लड का सैंपल दिया, जिससे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक मैसेज दे सके कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो डिगलीपुर से लेके कैंपबेल बे से लेके बहुत सारे रिमोट आइलैंड से जो पेशेंट पोर्टलर में आते हैं जीपन अस्पताल में इलाज कराने के लिए, और जिनको ब्लड नहीं मिलता है, वैसे लोगों को अपना रक्त देकर उनका मदद करने से मदद करना चाहते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि मेरा एक बहुत रेयर ब्लड है ओ नेगेटिव, जो कि अंडमान में मिलना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद ही मैंने 8 से 9 दफ़ा अपना ब्लड डोनेट कर दिया। और आने वाला समय में भी अगर वाकई में कोई गरीब पेशेंट होगा जिसको ओ नेगेटिव को ज़रूरत रहेगा, तो अपना रक्त देने के लिए हम तैयार हैं। और TSG फाउंडेशन के साथ मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, और भास्कर जी मैं काम मैंने बहुत करीबी से देखा है। भास्कर जी अपना काम को शो ऑफ नहीं करते हैं, उससे जितना बन सकता है वो गरीब का मदद करना चाहते हैं। वो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, और वैसा व्यक्ति के साथ हम भी चाहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर एक गांव से, हर एक विलेज से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक ब्लॉक से लोग जुड़े और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का डेवलपमेंट के लिए साथ दें। थैंक यू सो मच।